नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ लड़कियां जुड़ रही हैं जो आश्रम में आती हैं। आज हमारे साथ रीचा जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा वे सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिंसा के लिए। रीचा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ के आके हमें एक जन्नत महसूस होती है, बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं, सारी टेंशन दूर भागती है हमारी यहाँ आने के बाद। एक लड़की होने के नाते अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कभी हमने कुछ यहाँ पे कभी गलत होते हुए देखा ही नहीं आज तक जी। यहाँ पे कभी भी हल्का सा महसूस किया हो? कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ यहाँ पे जी। गुरु जी का स्वभाव कैसा है? गुरु जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। गुरु जी बड़ों को, छोटों को अपनी बेटियाँ समझते हैं, बहुत प्यार देते हैं सब बेटियों को अपने। जो गुरुजी के बारे में मीडिया में दिखाया जा रहा था वो सब गलत दिखा रहे हैं जी। जो बचपन से आ रहे हैं यहाँ, जब कुछ गलत है ही नहीं तो पता नहीं क्यों गलत बोल रहे हैं, मीडिया क्यों गलत बोलती है। यहाँ कुछ गलत है ही नहीं जी, बचपन से जुड़े हैं यहाँ पे, बचपन से आ रहे हैं जी। गुफा में गए हो कभी? बहुत बार गए हैं जी, हर रोज जाते थे। वहाँ पर क्या होता है? कुछ भी नहीं है जी, प्रसाद मिलता है, संगत भी वचन करते हैं, हुक्म करते हैं नशे से दूर रहो। जो टीवी में एक सुरंग टाइप का दिखाया जा रहा था वो ऐसा क्या? कुछ भी नहीं है जी वहाँ पे। गुरुजी के ऊपर फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पता नहीं क्यों लोगों ने गलत आरोप लगाए, क्योंकि वो लोगों का नशा छुड़ा रहे थे, वैश्यवर्ती को अपनी बेटियां बनाकर उनकी शादियां कर रहे थे, इसी के कारण उनको गलत साबित करने के लगे हुए मीडिया जी। क्या आपको लगता है संत जी ने समाज के हित के लिए कोई कार्य किए? समाज के हित के लिए बहुत कार्य किए हैं जी उन्होंने, नशा छुड़वाया लोगों का, वैश्यवर्ती को अपनी बेटियाँ बनाया है, बहुत से ऐसे मानवता भलाई के कार्य जो उन्होंने किए, इसलिए तो लोग उनके खिलाफ हो गए भी। उनका नशा बंद हो जाएगा बिकना लोग। क्या आज आपको लगता है समाज को गुरुजी की जरूरत? समाज में गुरुजी को बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रभाव क्या पड़ रहा है 3-4 सालों से जैसे संत जी समाज में नहीं है, क्या लोग प्रभाव? नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैश्यवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए गुरुजी की बहुत जरूरत है जी समाज को। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हमारे गुरुजी बिल्कुल सही हैं और उन्हें जल्द से जल्दी रिहा किया जाए जी। एक अभी लेटर आया है गुरुजी का, कुछ लोगों का मानना है लेटर के बारे में अलग तरीके से, आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा महसूस हुआ लेटर के बाद? लेटर सुन के बहुत खुशी महसूस होती है जी, बस यही है हमारे गुरुजी हमारे बीच जल्दी आ जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक की डिमांड सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिंसा के लिए बढ़ रही है। लगातार पब्लिक यही कह रही है कि संत जी की इस समाज को सख्त जरूरत है। जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, पब्लिक को लगता है कि बिल्कुल झूठे एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका कहना है कि ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ जैसा मीडिया में प्रचार किया गया। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।